गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th का चैप्टर पढ़ रहे हैं, फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। मींस क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, फसल का उत्पादन करना, फसल को उगाना और उसको मैनेजमेंट करना। मैनेजमेंट मींस एक तरीका जहां से हम फसल को शुरू करते हैं बोना। क्या क्या तरीके किए जाते हैं जब भी हम किसी फसल को किसी खेत में उगाते हैं। पहले तो मतलब समझिए कि फसल क्रॉप, क्रॉप का मतलब क्या है। क्रॉप का मतलब होता है किसी भी एक ही तरह की वस्तु का बहुत बड़े एरिया में उत्पादन करना क्रॉप कहलाता है, ठीक है जी। और अगर मैं दूसरा वर्ड यूज करूँ गार्डनिंग, गार्डनिंग का मतलब होता है कि कुछ पौधों का एक जगह पे, कुछ अलग अलग पौधों पर एक जगह पर उगाना, वो गार्डनिंग कहलाएगा। और क्रॉप क्या कहलाएगी, बहुत सारी फसल का एक जैसी का एक ही क्षेत्र पर उगाना क्रॉप कहलाएगा। अब इसके अंदर क्या किया जाता है, क्रॉप प्रोडक्शंस के अंदर, क्रॉप प्रोडक्शंस के अंदर हम पहले जमीन को समतल करते हैं, फिर उसमें बीज बोते हैं, फिर उसमें सिंचाई करते हैं। सिंचाई करने के बाद फिर जब फसल उग जाती है तब उसका क्रॉप मैनेजमेंट करते हैं, उसे स्टोर करते हैं। तो अब हम इस चैप्टर को डीपली पढ़ेंगे और सबसे पहले मैं अपने स्टूडेंट जीविका को कहूंगा कि वो रीडिंग करें और मैं साइड बाय साइड आपको ये चैप्टर समझा रहा हूँ। हाँ जी जीविका, प्रोडक्शन इन क्लास 7th यू लर्न दैट प्लांट्स आर योर चीफ सोर्सेस ऑफ फूड। आपने सातवीं कक्षा में पढ़ा है कि जो प्लांट है ये आपका चीफ सोर्स है, मेन भोजन है। हाँ जी, फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी टू कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेस सच एज डाइजेशन, रिस्पायरेशन एंड एक्सर्शन। हम जो भोजन खाते हैं ये हमें एनर्जी देता है और हमारे जीवन में बहुत से कार्य करने में हेल्प होता है, जैसे भोजन को पचाना, ताकत लेना, सांस लेना और बेकार मटेरियल को बॉडी को बॉडी से बाहर निकाल देना। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ, पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। जो पौधे अपना भोजन खुद बनाए वो कहलाते हैं ऑटोट्रॉप। और भोजन किस तरीके से बनाते हैं, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से भोजन बनाते हैं, सूरज की रोशनी से, सॉइल से और पानी के द्वारा पौधा अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए उसे ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। हाँ जी, एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, ऑड फूड। जानवर और इंसान अपना भोजन खुद नहीं बना सकता। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, अब हम इसको पढ़ते हैं। यस जी, द टर्म एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स, एगर मीनिंग फील्ड, द कल्चर मीनिंग कल्टीवेशन। एग्रीकल्चर जो शब्द है ये दो शब्दों को मिलाकर आया है लैटिन वर्ड से। एग्रा का मतलब होता है फील्ड, खेत, और कल्ट्रा का मतलब होता है कल्टीवेशन। कल्टीवेशन मतलब उगाना किसी चीज को, तो ये दोनों मिलाकर बन गया आपका एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ ग्रोइंग यूजफुल प्लांट एंड रेजिंग एनिमल्स यूजफुल टू ह्यूमंस। तो एग्रीकल्चर का मतलब हुआ कि फसल का, पौधों का उगाना और जानवरों को पालना इंसान के फायदे के लिए। When plants of same kind are grown the and cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. हाँ, जब पौधों को, एक ही तरह के पौधों को बहुत बड़े क्षेत्र पर उगाया जाता है तो उसे हम कहते हैं क्रॉप, फसल, हिंदी में फसल और इंग्लिश में कहा जाता है ये क्रॉप। हाँ जी, आगे पढ़िए। द लैंड वेयर ए क्रॉप इज कल्टीवेटेड इज कॉल्ड ए फील्ड, और जहाँ पर ये उगाई जाती है उसे कहा जाता है खेत। द एक्टिविटीज लाइक प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग द सीड्स। इसमें क्या क्या एक्टिविटी होती है, सबसे पहले हम जमीन को तैयार करते हैं। दो तरीके की जमीन होती है, एक तो होती है बंजर जमीन
और बंजर जमीन को आप खाद देकर आप ठीक करते हैं। और दूसरी जो ज़मीन होती है उसकी सफाई की जाती है। सबसे पहले हमने क्या किया, ज़मीन तैयार की, फिर सोइंग ऑफ सीड्स, उसमें बीज बोए। यस, आगे पढ़िए। अप्लाइंग एडुकेट, एडुकेट क्वांटिटीज ऑफ सूटेबल मैनर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, रिमूवल ऑफ वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरिंग ऑफ क्रॉप्स आर कलेक्टिवली नोन एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। हाँ जी, तो इसके बाद हमने क्या किया, उसके मैन्योर डाले। मैन्योर मीन्स खाद डाले, फर्टिलाइजर डाला, सिंचाई की, रिमूवल ऑफ वीड्स, खरपतवार को हटाया, और हमने हार्वेस्टिंग की। और ये जो सारे जो टोटल मिलाकर ये सारा प्रोसेस होता है, ये सारे कहलाते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। द वेरियस टूल नीडेड बाय फार्मर्स आर कॉल्ड एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट। हाँ, और जो ये टूल्स औजार प्रयोग किए जाते हैं किसान के द्वारा, उसे कृषि संसाधन कहा जाता है, कृषि के यंत्र कहा जाता है। हाँ जी, पढ़िए आप। Crop seasons, different types of plants have different types of requirements. अब हम बात करते हैं crop season की। Crop के season दो तरीके के होते हैं। अभी हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि हर एक क्रॉप के लिए एक अलग अलग रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है, मौसम की जरूरत पड़ती है, तो उसी हिसाब से फसलें उगाई जाती हैं। हाँ जी, अ क्रॉप मे ग्रो वेल इन वन सीजन डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। हाँ, जो क्रॉप होती है किसी भी सीजन पे, उसके टेम्परेचर पर, वातावरण पर, ह्यूमिडिटी और बरसात कितनी होती है उस पर डिपेंड होती है। इन इंडिया जनरली देयर आर टू मैनी सीजन्स फॉर कल्टीवेटिंग क्रॉप। हिंदुस्तान में दो सीजन है क्रॉप्स को उगाने की। पहली जो क्रॉप है वो कौन सी है, खरीफ क्रॉप्स। दीज आर समर सीजन क्रॉप्स, ये गर्मी की ऋतु की क्रॉप्स हैं। दीज आर सो इन जून टू जुलाई एंड आर हार्वेस्टिंग इन सितंबर। ये जून और जुलाई में उगाई जाती है और सितंबर में इसे काटा जाता है। एग्जांपल्स, पैडी, राइस, माजी, सोयाबीन, कोकोनट, ज्वार, ग्राउंडनट, कॉटन, ज्वार एंड द पल्सेस। इसके एग्जांपल है जैसे चावल हो गया, आपका मेज हो गया, सोयाबीन होगी, मूंगफली होगी, कपास होगी, ज्वार होगी और दालें होगी। सेकंड, रबी क्रॉप। यस, दीज आर विंटर सीजन क्रॉप्स। दीज आर फॉर, ये सर्दी की क्रॉप्स होती हैं, अक्टूबर टू नवंबर एंड हार्वेस्टिंग इन मार्च एंड अप्रैल। ये अक्टूबर नवंबर में पैदा की जाती हैं और ये मार्च और अप्रैल में क्रॉप्स को काटा जाता है। एग्जांपल्स, व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, बार्ले एंड लेंटिल। हाँ, इसके एग्जांपल है गेहूं है, आपके दालें हैं, पिया है, मटर है, मस्टर्ड है, सरसों का तेल है, बार्ले जो है। यस, रोहित पढ़े आप। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। हाँ, क्रॉप की क्या क्या प्रैक्टिसेस होती है, क्या क्या प्रैक्टिसेस किया जाता है क्रॉप को स्टार्ट कर चुन करने से पहले। फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ सोइल। पहले, सबसे पहले हम धरती को तैयार करते हैं। यस, द फार्मर नीड्स टू प्रिपेयर द सोइल बिफोर सोइंग सीड्स। सबसे पहले फार्मर जमीन को साफ करते हैं और बीजों को बोते हैं। इट इन्वॉल्व्स लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ सोइल। इसमें सबसे पहले मिट्टी को खुला किया जाता है, मींस खुला करके मिट्टी को ओपन किया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग, जिसे हल जोतना कहते हैं। ये मोस्टली गांव में आपने देखा भी होगा। दिस प्रैक्टिसेस हैव फॉलोइंग एडवांटेज। इसका क्या क्या फायदा होता है। फर्स्ट, इट अलाउज रूट टू पेंट्रेट डीपर विद ईज। इसके द्वारा जो जड़ें होती हैं बहुत नीचे जमीन में जा सकती हैं। सेकंड, इट इम्प्रूव्स आवर
air circulation and helps to roots of the crops plants to breathe and helps microorganisms to bring about decomposition of organic matter. इससे दूसरा क्या फायदा होते हैं, जो पौधे हैं वो लंबा सांस ले सकते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मौका मिलता है कि बहुत डीपली में जाकर डीकम्पोज कर सकते हैं चीज़ों को, ऑर्गेनिक मैटर्स को डीकम्पोज कर सकते हैं और एक अच्छी खाद बना सकते हैं. द न्यू सैंडिंग सोइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रो ट्रिप्स प्रेजेंट इन द सोइल. जो हमारे अर्थवर्म्स होते हैं या माइक्रोब्स होते हैं सोइल में, वो इस खुली हुई मिट्टी के अंदर अच्छे से अपनी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. दीज आर कॉल्ड फार्मर फ्रेंड एज द फर्दर एड इन लूसिंग एंड टर्निंग ऑफ द सोइल एंड आल्सो इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी. और ये जो सोइल होती है इसे फार्मर, इसलिए इनको फार्मर्स का दोस्त कहा जाता है जो अर्थवर्म्स होते हैं. फोर इट अप्रूट्स एंड अनवांटेड प्लांट्स और वीड्स. हाँ, ये जो अनवांटेड प्लांट्स और वीड्स होते हैं जिसे खरपतवार कहा जाता है, उसे खत्म कर देते हैं. फाइव इट एनहांसिंग वाटर रेटिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल. हाँ, और इससे पानी की क्षमता सॉइल में बढ़ जाती है क्योंकि पानी डीपली चला जाता है मिट्टी के अंदर. हाँ जी लकी, आप पढ़े प्लगिंग और टिलिंग प्लग. जो इसीलिए जो प्लगिंग जो खेती होती है, ठीक है, और टिलिंग ये की जाती है. ये जो प्लगिंग होती है लकड़ी और लोहे से की जाती है. हाँ जी आप पढ़ें. बाय फायर ऑफ वुड्स ऑफ अदर एनिमल्स हॉर्स कैमल इट हैज अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड द प्लग शॉप. हाँ जी, तो ये किसके थ्रू की जाती है? बैल के द्वारा की जाती है, कैमल्स के द्वारा भी की जाती है राजस्थान के एरिया के अंदर, हॉर्सेस के द्वारा भी किया जाता है. तो एक ट्रायंगुलर शेप का हल होता है. प्लग शेप इट्स मैन पार्ट विच हैज अ लॉग ऑफ वुड. हाँ, जो इसका मेन पार्ट जो होता है प्लग का, तो मेन पार्ट जो हल होता है, हल लकड़ी का बना हुआ होता है जो इसका मेन पार्ट कहलाया जाता है. देयर इज अ विंडल इट वन एंड ऑफ द शेफ्ट एंड द अदर एंड इज अटैच टू ए बीम. और इसका जो पहला जो भाग होता है वो एक शेफ्ट से जुड़ा होता है और जो अंतिम भाग होता है वो एक बीम से, लकड़ी की बीम से जुड़ा होता है. गांव के लोगों ने मोस्टली देखा होगा हल को, लकड़ी के हल होते थे, तो अब जो हल चेंज होकर लोहे के हल हो गए हैं. लकी अब आप पढ़े, होय से पढ़े आप. टूल होय इज अ सिंपल टूल यूज फॉर रिमूविंग वीड्स लूजिंग द सॉइल. जो हेय होता है ये खर पतवार को निकालता है और वीड्स को निकालता है. जीविका आप पढ़े. इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग रूड ऑफ वुड और आयरन. इसकी एक लंबी रोड होती है जो आयरन से बनी होती है. एट वन ऑफ इट्स एंड्स ए स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट हाँ, और इसके जो एक तरफ एक लोहे की स्ट्रिप्स होती है जो इसके साथ जुड़ी होती है. इट इज पुल्ड बाय एनिमल बाय प्लेसिंग इट वन द बोल्ड नेक. हाँ, और इसको एक तरफ जो बैल की नेक पर रखा जाता है, गले पर रखा जाता है. थोड़ा ऊंचा पड़े हैं हम इनका. प्लगिंग द सॉइल इज turned into large
हाँ, इसके बाद जो ये सॉइल हो जाती है इसके बड़े बड़े पीस हो जाते हैं जब इसको तोड़ा जाता है, तो मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े हो जाते हैं ना, तो उसे क्या कहा जाता है, क्रम्स कहा जाता है। हाँ जी, विच आर फर्दर ब्रोकन डाउन बाय ए सॉइल प्लैंक। हाँ, उसके बाद वो सॉइल प्लैंक के रूप में ढूंढती है, फिर मिट्टी को छोटा किया जाता है, फिर उसमें जब दोबारा उगाया जाता है उसमें फिर दोबारा अगला प्रोसेस होता है। पहले क्या था, आपने लूजिंग किया, तो मतलब एक धरती थी उसको आपने ओपन किया, उसके बाद उसके टुकड़े बने मिट्टी के बड़े बड़े, अब बड़े मिट्टी पे तो वर्कआउट नहीं हो सकता, फिर उसके बाद फिर उसकी छोटी सोयल्स की जाती है। यस, द लैंड इज प्रेस्ड डाउन एंड लेवल्ड विद द हेल्प ऑफ ए लीवर। हाँ, उसके बाद जो धरती का एक बराबरी की जाती है मिट्टी की, दिस प्रिवेंट्स द इरोजन हो जाती है, मिट्टी टूट जाती है पानी से, हो जाती है मिट्टी टूट जाती है और इसके अंदर हवा से अब उसका रिमूवल होना शुरू हो जाता है, छोटी सॉइल बन जाएगी, मिट्टी बन जाएगी जो अब हमारे लिए बेनिफिशियल होने जाएगी खेती करने के लिए। Nowadays, कल्टीवेटर। आज के समय में जो हमारी खेती होती है वो ट्रैक्टरों से होने लगी, तो अभी हमने क्या पढ़ा था, प्लगिंग। प्लगिंग के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि बैलों से होती थी। हाँ जी, आप पढ़ें, सोइंग ऑफ सीड्स। हाँ, सोइंग ऑफ सीड्स, अब बीजों का उगाना। द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इन द सॉइल इज कॉल्ड सोइंग। जो बीजों का जमीन में उगाने के प्रोसेस को कहा जाता है सोइंग। ये क्रॉप प्रोडक्शन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। Before sowing, good quality seeds are selected. हाँ जी, तो बीजों को बोने से पहले अच्छे क्वालिटी के बीजों को चुना जाता है। Poor quality seeds reduce quantity and quality of crop. जो छोटी मात्रा की सीड्स होती है ये क्वान्टिटी रिड्यूस क्वान्टिटी, एक तो क्वान्टिटी खराब कर देती है और दूसरी क्वालिटी क्रॉप की खराब कर देती है। बीज अच्छा होगा तो फसल अच्छी होगी, बीज बेकार होगा तो फसल अच्छी नहीं होगी। लेट अस परफॉर्म ऑफ ट्रेडिशनली सोइंग राइट। यस, हाँ, तो अब हम अच्छी क्वालिटी के सीड्स देखते हैं। ट्रेडिशनली सोइंग ऑफ सीड्स वाज डन विद द हेल्प ऑफ अ फनल शेप्ड ट्यूब। हाँ, जो सीड्स होते हैं ये फनल शेप ट्यूब से अब सीड्स को भेजा जाता है। मैं यहाँ पे आपको एक फिगर दिखाता हूँ, दिस इज द फनल। तो फनल के द्वारा अब बीजों को भेजा जाएगा, यहाँ बीज रखे जाएंगे और ये जमीन के अंदर जाने शुरू हो जाएंगे। यस, सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल पार्ट डाउन टू और थ्री पाइप शार्प एंड्स। जो सबसे पहले इस फनल्स के अंदर सबसे ऊपर बीज रखे जाते हैं और जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताया तो बीज इसमें से पार होते हुए जमीन में चले जाते हैं। दिस एंड्स पाइसेस इनटू द सॉइल एंड प्लेट सीड्स देयर। हाँ, और वहाँ पर सीड्स को भेज देती है, सीड्स रख देती है। आज के टाइम में सील्स ड्रिल्स यूज की जाती हैं बीजों को बोने के लिए। सीड ड्रिल्स कंसिस्ट ऑफ अ फनल एट द टॉप विद अ मेटल ट्यूब ब्लो व्हिच रिलीज सीड्स इनटू द फरोस और डिस्टेंस एंड एज द ग्राउंड इज पुल्ड ओवर द सॉइल। तो इसके बाद जो हल होता है ये जमीन पर होता है, तो बीज रखे जाते हैं तो ये हल के द्वारा अपने प्रोसेस पे आ जाती है और जमीन पे जाने शुरू हो जाते हैं। Nowadays seeds drills having 5 to 6 meter metal pipes with a common funnel at the top driven by tractor so seeds in 5 to 6 rows simultaneously। आज के समय में हम 5 से 6 जो रोज होते हैं पंक्तियों में इकट्ठा बीजों को बो सकते हैं, इससे तो एक टाइम बचता है आपका। दिस इज आवर सेकंड द मैकेनिकल प्रोसेस। कॉटन पोटैटो मैरी एंड सोयाबीन आर ऑल ग्रो क्रॉप्स सो विद सीड ड्रिल। कॉटन हो गया, आलू हो गया, मेज हो गया और सोयाबीन हो गया, ये सीड ड्रिल के द्वारा इसके बीज बोए जाते हैं। क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड जस्ट
scattered or rotated over the field in terms of putting them into the soil. हाँ, जो क्रॉप्स होती है लाइक जो वीट की क्रॉप्स होती है इसमें क्या किया जाता है, इनको जमीन के अंदर भेजने की जगह इनको पुट किया जाता है, इनको रखा जाता है जमीन के ऊपर, और ये जो होते हैं इसे कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। हाँ, इसे ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। इन केस ऑफ पेडी राइस टोमेटो ऑनियन एंड चिली सीड्स आर नॉट सोन डायरेक्टली इन द सोइल। हाँ जी, तो जैसे अभी मैंने बताया गेहूं के होते हैं, गेहूं का पौधा ये जमीन में गया, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसे डायरेक्टली हम जमीन के अंदर नहीं बोते, जैसे टोमेटो हो गया, चिलीज हो गया, और टोमेटो चिली हो गया, राइस हो गया, चावल हो गया। उन्हें सबसे पहले एक नर्सरी में रखा जाता है। नर्सरी क्या होती है? नर्सरी होती है जहाँ छोटे छोटे पौधे उगाए जाते हैं, फिर वहाँ से उसके सैपलिंग, उसके एक वर्ड होता है सैपलिंग, उसको लिया जाता है और फिर जमीन में बोया जाता है। दे आर अलाउड टू ग्रो इनटू स्मॉल प्लांट्स कॉल्ड सीडलिंग। पहले सबसे पहले उसके सीडलिंग बनाए जाते हैं, स्मॉल प्लांट्स बनाए जाते हैं। द हेल्दी सीडलिंग आर सिलेक्टेड एंड ट्रांसफर्ड टू अनदर फील्ड। फील्ड और अच्छे जो सीडलिंग होती है, अच्छे जो पौधे उग गए, उसे फिर दूसरे खेत के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन। इस प्रोसेस को ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। सीड्स एंड सीडलिंग नीड टू बी सोन एट द पर्टिकुलर डेप्थ, नॉट टू बी प्लेस्ड टू क्लोज टू वन और इनको एक पर्टिकुलर डेप्थ पे, एक गहराई तक रखा जाता है। एक पर्टिकुलर गहराई होती है और एक दूरी होती है इसकी, क्योंकि ये जो पौधे उगेंगे ये अपनी लंबाई भी लेंगे, फैलेंगे भी, तो ये दूसरे पौधे के साथ न जुट जाए। तो इसलिए क्या किया जाता है, इसलिए इन पौधों के अंदर एक दूरी बनाई जाती है। Seeds turn to deep into the soil may not germinate due to non-availability of air, water, sunlight and nutrients. हाँ, जो सीड्स होते हैं जो जमीन के अंदर गए, जमीन के अंदर हमने बो दिए, तो इसको एक availability चाहिए, हवा की, पानी की, सूरज की रोशनी की और न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो अगर हम एक दूरी रखेंगे तो ये उसको अच्छे से ले सकेंगे, उसको यूटिलाइज कर सकेंगे। हाँ जी, रोहित पाल। एडिंग मैन्यूअर्स एंड फर्टिलाइजर। हाँ, एडिंग मैन्यूअर फर्टिलाइजर। अब बात आती है खादों को डालने की और फर्टिलाइजर्स को डालने की। अब खाद कौन सी? खाद नेचुरल भी होती है, जिसे हम पाउडर भी कहते हैं, जिसे गोबर भी कहा जाता है, और यूरिया भी मिलाया जाता है। हाँ जी, सोइल प्रोवाइड्स मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स that are instantly essential for the growth of plants. जो soil होती है इसको minerals की आवश्यकता पड़ती है, और जो plants होते हैं उनके क्या चाहिए? minerals चाहिए, उन्हें खाद चाहिए, ठीक है, इन सब की आवश्यकता पूरी की जाती है। growing of crops in succession render soil deficient in current certain nutrients. हाँ, तो कई बार जमीन के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी रहती है, therefore farmer add manures and fertilizers to the soil to replenish इसलिए जो किसान होते हैं वो खाद डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, ताकि जो जमीन की जो कमियां होती है उसको खत्म करते हैं। मैन्यूअर्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल वेस्ट सच एज काउ डंग, प्लांट्स पार्ट, वेजिटेबल और फ्रूट्स पिल्स एंड सिमिलर अदर ऑर्गेनिक वेस्ट। हाँ, तो इसलिए जो मैनुअल्स होते हैं ये सारे प्रयोग किए जाते हैं, काउ डंग यूज किया जाता है, गोबर यूज किया जाता है, वेजिटेबल फ्रूट के छिलके यूज किए जाते हैं एक अच्छी खाद बनाने के लिए। मैनुअल आर ऑफ थ्री काइंड्स। मैनुअल तीन तरीके की होती है, खादें तीन तरीके की होती है। फार्मेड
फार्म यार्ड मैनुअल जो फार्म में बनाई जाती है, कंपोस्ट जो हमने बात की, जो सब्जियां हैं छिलके हैं उनका प्रयोग किया जाता है, ग्रीन मैनुअल, हाँ जी जिन्हें ग्रीन मैनुअल कहा जाता है, हरी खाद कहा जाता है। यूज ऑफ मैनुअल इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एंड वेल एज इट्स वाटर जनरेटिंग कैपेसिटी, और ये मैनुअल होते हैं या वाटर कैपेसिटीज को बढ़ा देते हैं। इट प्रोवाइड्स द सॉइल विद ऑल द न्यूट्रिएंट्स, और ये सारी तरह के न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं सॉइल को। इट मेक्स द सॉइल पोरियस ड्यू टू व्हिच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम इजी, हां तो इसमें छेद बना देते हैं जमीन में जिससे कि गैसेस आसानी से अपनी क्रिया कर सकते हैं, कार्य कर सकती है जमीन में। इट ऑल्सो इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोवेव्स, माइक्रोब्स वेस्टेज, और ये जगह बढ़ा देते हैं, माइक्रोब्स बढ़ जाते हैं इसके अंदर। फार्मेड मैनुअल कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ कैटल डंग, यूरिन, रेमिनेंट्स, रेमिनेंट्स ऑफ स्ट्रॉ एंड फार्मयार्ड वेस्टेज। हाँ, जो फार्मयार्ड मैनुअल्स होते हैं वो कैटल डंग को यूज करते हैं, गोबर को यूज करते हैं। दिस इज मिक्स्ड and all of dry in the sun, और ये mix होते हैं और mix रहते हैं। It is then used in manure, और इसलिए इसे खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। Compost is obtained by decomposition of dead plants, animal wastes and biodegradable wastage। और इसी तरह जो खाद होती है और डेड प्लांट से आ जाती है, एनिमल वेस्टेज से आ जाती है। ग्रीन मैनुअर कंसिस्ट ऑफ लेग्मिनियस प्लांट लाइक ऑल टाइप्स ऑफ पल्सेस एंड बीन्स, जो हरे जो खाद होती है वो आपकी दालों से और बीन्स से मिलती है। दीज आर ग्रो इन द फील्ड एंड प्लग बैग इन टू The soil after their coats are harvested. हाँ, तो ये जब इसके soil harvested हो जाते हैं तब इसको खेतों में भेजा जाता है, खेतों में इसे डाला जाता है। These are rich in nitrogen. ये nitrogen में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं क्योंकि nitrogen की आवश्यकता पड़ती है nutrients के तौर पर। These are grown alternately with the carrot crop. और ये बाकी क्रॉप्स के साथ भी उगाई जाती है। अभी हम नेक्स्ट फर्टिलाइजर नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। सो टिल वी हैव टू रीड अबाउट द प्रैक्टिसेस एंड वी रीड अबाउट द मैनुअर, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा फर्टिलाइजर, उसके लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियोस मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।